नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त डीके वर्मा। स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल AIO कंप्यूटर जॉन में। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि MS Paint में कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर देती है, ठीक है। तो इसके लिए आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना होगा, और यदि कहीं प्रॉब्लम होता है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए हम लोग सबसे पहले फंक्शन की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहला प्रॉब्लम क्या होता है कि आपने कोई भी एक शेप को ड्रा किया कंप्लीट, और उसके बाद आप इसे सेलेक्ट करते हैं। चलिए मैंने इसे सेलेक्ट किया, और उसके बाद इसे कॉपी करते हैं, और इसके बाद इसे आप पेस्ट करते हैं, और इस शेप को यहाँ से इसके नज़दीक लाते हैं तो ये पहले वाला जो शेप होता है वो यहाँ से हाइड हो जाता है। ये पहला प्रॉब्लम। फिर से अगर पेस्ट कीजिएगा दोबारा से चलेगा तो भी ये प्रॉब्लम। तो इस प्रकार का जो प्रॉब्लम होता है बहुत ही मतलब बहुत प्रॉब्लम ये कर देता है हम लोगों को। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सेलेक्ट के डॉट वाले में जाना है, यहाँ पे ड्रॉप डाउन ऑप्शन वाले पे, और यहाँ से करना होगा आपको ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन। जब आप ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन कर देंगे तो यहाँ से कोई भी दिक्कत नहीं है। आप जितना आप पेस्ट करना चाहते हैं आप पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये ओवरलैप होगा, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप जितना करें ये ढकेगा नहीं देख लीजिए। तो इस प्रकार से इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैं सबसे पहले यहाँ से इसको नो करता हूँ, यहाँ से भी इसको नो करता हूँ। अब कोई भी शेप, जब आप कभी कभी ऐसा प्रॉब्लम होता है MS Paint के अंदर कि कोई भी शेप को ड्रा करते हैं तो शेप ड्रा नहीं होता है, इस प्रकार से सेलेक्ट जैसा ऑप्शन आपके पास आ जाता है। क्योंकि आपने कोई भी एक शेप को ड्रा किया, लेकिन यहाँ पे लग रहा है कि जैसे मैंने कुछ सेलेक्ट किया है। देख लीजिए, मैं इस शेप को ड्रा करता हूँ, मैं यहाँ से ड्रा किया, देखिए ये ड्रा नहीं हो रहा है, लग रहा है कि मैंने कुछ चीज़ को सेलेक्ट किया है। मैं इसे ड्रा करता हूँ, देख लीजिए ये ड्रा नहीं हो रहा है। इसका रीज़न ये होता है कि अगर आप कोई भी शेप को लेके यदि आप ड्रा करते हैं और इस प्रकार का एरर आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि आपका जो अभी आउटलाइन है वो नो है। जब तक आप आउटलाइन को नहीं करेंगे सेलेक्ट तो कैसे होगा। तो यहाँ पे आउटलाइन अभी नो था, अब इसको आप सॉलिड कर लीजिए। सॉलिड करने के बाद आप कुछ भी ड्रा करेंगे तो आपके पास कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। देख लीजिए यहाँ से कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं हो रहा कंप्लीट। तो इस प्रकार से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और भी इसमें क्या प्रॉब्लम होता है, जैसे मान लीजिए कि कुछ भी आप मैटर को यहाँ से आपने ड्रा किया, ठीक है, देख लीजिए, और जब इसे आप सेलेक्ट करते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पे ये भी इमेज है, यहाँ पे भी इमेज है। अब मान लीजिए कि आपको सिर्फ इसको सेलेक्ट करना है, देख लीजिए ये जो मैंने लास्ट वाला जो भाग मैंने यहाँ पे देख लीजिए, जो मैंने लास्ट वाला भाग इसे जो अभी देख लीजिए यहाँ पे जो अभी मूव कर रहा है, मैंने इसे जो ड्रा किया है, जो अभी मैंने ड्रा किया है, सिर्फ मुझे इसको ही सेलेक्ट करना है, ठीक है, सिर्फ इसी को सेलेक्ट करना है जो मैंने अभी लास्ट में ड्रा किया। तो जब आप इसे सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर जाएंगे और इसे जब आप सेलेक्ट करेंगे तो क्या होगा, आप देखिए जब इसको आप सेलेक्ट करेंगे तो उधर वाला मैटर भी सेलेक्ट हो जा रहा है, देख लीजिए यहाँ से ये पहले वाला भी सिलेक्ट हो जा रहा है। मुझे सिर्फ इसको ही सेलेक्ट करना है जो मैंने लास्ट में बनाया था। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको सेलेक्ट वाले ड्रॉप डाउन मेन्यू पे यहाँ पे जाना है, और उसके बाद यहाँ से करना है फ्री फ्रॉम सिलेक्शन। फ्री फ्रॉम सिलेक्शन करने के बाद क्या होगा कि आप अपने अनुसार इसे इसे इस तरह से आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं। देख लीजिए इस प्रकार से आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं, देख लीजिए, ठीक है, अपने इच्छा अनुसार सेलेक्ट कर सकते हैं। तो शायद आपको ये भी प्रॉब्लम हो सकता है, मैंने आपको ये बता दिया, ठीक है। उसके बाद क्या प्रॉब्लम होता है कि मान लीजिए कि आपने कोई भी शेप को इतना सारा शेप को ड्रा किया, ठीक है, यहाँ से मैं कोई भी शेप ड्रा किया, ठीक है, और आप चाहते हैं कि सिर्फ ये वाला शेप, ठीक है, जो मैंने आपको सेलेक्ट कर बता रहा हूँ, आप चाहते हैं कि सिर्फ ये वाला शेप, ठीक है, जो अभी मैंने सेलेक्ट किया है, सिर्फ यही वाला शेप बचे और बाकी सब जितने भी इस पेज के अंदर शेप ड्रा किए हुए हैं, ये सब सारा मतलब जितने भी शेप ड्रा किए हुए हैं सारे शेप को आप डिलीट करना चाहते हैं, तो आप क्या करते हैं, आप इसे सेलेक्ट करेंगे डिलीट करेंगे, इसे सेलेक्ट करेंगे डिलीट करेंगे, बारी बारी से सेलेक्ट करेंगे और डिलीट करेंगे, लेकिन नहीं, आप एक ही बार पूरा डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। क्या कीजिए कि आपको जो शेप को रखना है, मतलब सिर्फ जिसको आपको छोड़ना है आप उसी को सेलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए मुझे इसको चाहिए बाकी सारा को नहीं चाहिए, तो आप क्या कीजिए सेलेक्ट जाइए और इसे आप सेलेक्ट कर लीजिए, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से सेलेक्ट का ड्रॉप डाउन मेन्यू पर जाइए और यहाँ पे करिए इनवर्स
ठीक है, इन्वर्ट सिलेक्शन। तो क्या होगा कि आपने जो सेलेक्ट किया वो सेलेक्ट नहीं होगा, ठीक है, और जो आपने नहीं सेलेक्ट किया वो सेलेक्ट हो जाएगा। अब आप क्या कीजिए, कीबोर्ड में डिलीट बटन प्रेस कर दीजिए। देख लीजिए, जैसे ही मैंने डिलीट प्रेस किया तो मैंने जो सेलेक्ट किया था वो सेलेक्ट नहीं हुआ, और जो मैंने सेलेक्ट और नहीं किया वो सेलेक्ट हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और भी एक और प्रॉब्लम होता है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो देख रहे हैं आपको मैग्नीफायर, तो ये आपको कन्फ्यूजन होता है कि भाई ये मैग्नीफायर क्या होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। मैग्नीफायर समझिए कि तरह से जूम करने के लिए होता है। जैसे आपने इस पर क्लिक किया, ठीक है, क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से कुछ ऑप्शन दिखाई देगा, और अगर आप माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करेंगे तो देखिए ये आपका पेज जो है जूम हो जाएगा। देखिए यहाँ से इतना जूम हो गया, फिर क्लिक कीजिए इतना जूम हो गया, और अगर माउस का राइट बटन प्रेस करेंगे तो देख लीजिए जूम आउट होगा। देख लीजिए इस प्रकार से पेज, यानी कहने का मतलब है कि इसके जरिए आप पेज को जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। देख लीजिए यहाँ से ये इस तरह से देख लीजिए, ठीक है, प्लस और माइनस का इस्तेमाल कर सकते हैं इसका यूज करके। तो आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।